गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, एक गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स है, 1000 प्लांट्स, ही वॉन्ट्स टू प्लांट दिस इन सच अ वे। अब वो 1000 प्लांट्स को इस तरह से प्लांट करना चाहता है अपनी फील्ड में कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम, ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो होती क्या है, पहले जैसे अगर मैं ऐसे कर रहा हूं ना, जैसे ये बना रहा हूं, ये एक प्लांट लगा, एक प्लांट ये लगा, एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, और उसके बाद ये एक प्लांट ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ऐसे ये क्या बन रहे, कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं हमारे, कॉलम। अब मान लो यहां पर 5 कॉलम है जो वर्टिकली ऐसे होते हैं ना, ये कॉलम होते हैं तो, और ऐसे में रोज होती है। अब वो चाहता है कि जितने कॉलम है ना उतने ही रोज हो, जैसे मान लो 5 कॉलम है तो 5 रोज होंगी, तो ये क्या है, कॉलम और ये रोज है, और कॉलम हमेशा वर्टिकली होते हैं और रो जो होती है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली में स्लीपिंग पोजिशन, कॉलम ऐसे स्टैंडिंग पोजिशन होते हैं। और अब इसमें कितने कॉलम है, 5 कॉलम है और 5 रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने होंगे, मान लो इस एक कॉलम में 5 प्लांट्स हैं तो 5 कॉलम में कितने प्लांट होंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 5 हो जाएंगे 25, तो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब वो चाहता है कि जो ये प्लांट्स है ना, 1000 प्लांट्स परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज हो जाए, लेकिन ये 1000 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब वो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसे कुछ नंबर ऑफ प्लांट और चाहिए होंगे, ठीक है। आगे लिखा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स मोर फॉर दिस, कि उसको कितने और प्लांट चाहिए होंगे ताकि जो 1000 है क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यानी कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको जिसको हम प्लस करें 1000 में और क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बना, स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, जो हम एड करेंगे 1000 में, और एडिड वाले केस में मैंने क्या बताया हुआ, कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिवीजन, एडिड और सब्ट्रैक्टेड में डिवीजन, और व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट शुड बी डिवाइडेड में फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम डिवीजन मेथड से 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो नहीं, क्योंकि होल नंबर में, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप पेयरिंग करके देखते हैं, पहले यहां पर 0 आया, यहां पर 10 का पेयर बना। अब 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया 1 1 द 1 2 2 द 4 3 3 द 9 4 4 द 16, तो 16 तो बड़ा हो गया 10 से, तो 9 ले लेंगे, और किसमें आया 3 3 9, ठीक है। और अब इधर रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1, अब 2 0 हम नीचे उतारेंगे, और जो ये नंबर यहां पर 3 आया है इसमें इस 3 को 3 में ऐड कर देंगे, मतलब लास्ट डिजिट ऐड करते हैं, 3 है तो 3 की लास्ट डिजिट 3 होगी। अब 3 + 3 कितना हुआ बचा हमारा 6 होगा, अब 6 के आगे नंबर लगाना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब मानो मैं 6 के आगे 2 लगाता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 2 4 हो जाता है, जो कि बड़ा हो जाता है। तो हम 1 लगा, 6 के आगे 1 लगा के देखेंगे, 6 लिखा फिर 1 लगाया और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर लगा रहे उसी से मल्टीप्लाई, 61। लेकिन अब क्योंकि हम कौन सा केस कर रहे हैं, एडिट का केस, तो एडिट वाला कर रहे हैं तो हम एक बड़ा वाला नंबर लेते हैं, एक्सेप्शन होती है, मैंने बताया व्हाट शुड बी एडिट में हम बड़ा लेंगे, अदरवाइज सब केसेस में हम छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने पे गया, 2 पे, तो इधर भी 2 पे, और यहाँ पर 124, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये नेगेटिविटी शो करता है, इसका जो रिमाइंडर आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा 1000 और 124 का डिफरेंस कितना हुआ, 24 को भी इसमें लेंगे, लेकिन अगर अगर इससे हमें 1000 से सब्ट्रैक्ट कराना होता तो हम छोटा ही लेते उस केस में, तो अभी हम एक बड़ा लिया, तो हमारा आंसर क्या होगा, मिनिमम क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट बनेगी, द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस इज इक्वल टू 24।